1920 में अचानक भारत की तमाम मस्जिदों में दो पुस्तकें वितरित की जाने लगी। एक पुस्तक का नाम था कृष्ण तेरी गीता जलानी पड़ेगी और दूसरी पुस्तक का नाम था 19वीं सदी का लंपट महर्षि। ये दोनों पुस्तकें अनाम थी, इसमें किसी लेखक या प्रकाशक का नाम तक नहीं था और इन दोनों पुस्तकों में भगवान श्री कृष्ण, हिंदू धर्म इत्यादि पर बेहद अश्लील, बेहद घिनौनी बातें लिखी गई थी और इन पुस्तकों में तमाम देवी देवताओं के बाद इतने बेहद रेखाचित्र रेखाटे गए थे जिसे हिंदू अगर देख लेता तो उसका खून खौल के उठ जाता। और धीरे धीरे ये दोनों पुस्तकें भारत की हर एक मस्जिद में वितरित की जाने लगी। यह बात जब गांधी तक पहुंची तो गांधी ने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बताकर गौण कर दिया और कहा कि भारत में सबको अपने अपने विचार रखने का, अपने अपनी बातों को रखने का पूर्ण अधिकार है। फिर एक दिन अचानक 1923 में लाहौर स्थित राजपाल प्रकाशक के मालिक महाशय राजपाल जी ने एक पुस्तक प्रकाशित की जिसका नाम था रंगीला रसूल। उस पुस्तक के लेखक का नाम गुप्त रखा गया था और लेखक की जगह लिखा गया था दूध का दूध और पानी का पानी। हालांकि उस पुस्तक में असली लेखक पंडित चंपूपति थे जो इस्लाम के जाने माने विद्वान थे और सबसे अच्छी बात यह थी कि उस पुस्तक में कोई भी झूठ नहीं था बल्कि तमाम सबूतों के साथ बकायदा आयत नंबर, हदीस नंबर इत्यादि देकर कई बातें लिखी गई थी। 1.5 वर्षों तक रंगीला रसूल बिकता रहा पूरे भारत में, कहीं कोई बवाल नहीं हुआ। लेकिन एक दिन अचानक 24 मई 1924 को गांधी ने अपने समाचार पत्र यंग इंडिया में एक लंबा चौड़ा लेख लिखकर रंगीला रसूल पुस्तक की खूब निंदा करी और अंत में 3 पंक्तियां ऐसी लिखी, मुसलमानों को स्वयं ऐसी पुस्तक लिखने वालों को सजा देनी चाहिए। गांधी का यह लेख पढ़कर पूरे भारत के मुसलमान अचानक से भड़क गए और राजपाल प्रकाशक के मालिक महाशय राजपाल जी के ऊपर केवल 3 वर्षों में 5 बार हमले हुए लेकिन गांधी ने एक बार भी हमले की निंदा नहीं की थी। मजे की बात यह है कि कुछ मुस्लिम विद्वानों ने उस पुस्तक रंगीला रसूल का मामला लाहौर उच्च न्यायालय यानी कि हाईकोर्ट में दायर किया। हाईकोर्ट ने 4 इस्लामिक विद्वानों को न्यायालय में खड़ा करके उनसे पूछा कि उस पुस्तक में ऐसी कौन सी पंक्ति है जो सही नहीं, आप स्वयं बता दीजिए। 4 इस्लामिक विद्वान इस बात पर पूरी तरह से सहमत थे कि इस पुस्तक में कोई गलत बात नहीं लिखी गई। फिर लाहौर उच्च न्यायालय ने महाशय राजपाल जी पर मुकदमा खारिज कर दिया और उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया। फिर उसके बाद 30 अगस्त 1924 को गांधी ने यंग इंडिया समाचार पत्र में एक और भड़काने वाला लेख लिखा और इस लेख में उन्होंने इशारों में ऐसा लिखा था कि जब व्यक्ति को न्यायालय से न्याय नहीं मिले तब उसे अपने आप प्रयास करके न्याय ले लेना चाहिए। उसके बाद महाशय राजपाल जी के ऊपर 2 बार और हमले का प्रयास हुआ और अंत में 6 अप्रैल 1929 का हमला जानलेवा साबित हुआ जिसमें मोहम्मद इल्म दीन नामक एक युवक ने गदा से महाशय राजपाल जी के ऊपर कई बार वार किए जिनसे उनकी मौत हो गई थी। जिस दिन उनकी हत्या हुई उसके 4 दिन बाद गांधी लाहौर में थे लेकिन गांधी महाशय राजपाल जी के घर पर शोक प्रकट करने नहीं गए और ना ही अपने किसी संपादकीय में महाशय राजपाल जी की हत्या की निंदा की। उसके बाद अंग्रेजों ने मुकदमा चलाकर मात्र 6 महीनों में महाशय राजपाल जी के हत्यारे इल्म दिल को फांसी सुना दी और वो भी इसलिए कि देश में हिंदू समाज जो था वो पूरी तरह से उबल रहा था और अंग्रेजों को लगा यदि उन्होंने जल्दी से फांसी नहीं दी तब अंग्रेजी शासन भी बर्खास्त हो जाएगा, खतरे में आ जाएगा। उसके बाद 4 जून 1929 को गांधी ने अंग्रेज वॉइसरॉय को चिट्ठी लिखकर महाशय राजपाल जी के हत्यारे की फांसी की सजा को माफ करने की अनुरोध किया था और इसके अगले ही दिन अपने समाचार पत्र यंग इंडिया में एक लेख लिखते हुए जिसमें गांधी ने यह साबित करने का प्रयत्न किया था कि हत्यारा तो निर्दोष है, नादान है क्योंकि उसे अपने मजहब का अपमान सहन नहीं हुआ और उसने गुस्से में आकर यह हत्या करने का निर्णय ले लिया। दूसरी तरफ तब तक के जाने माने बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना ने भी लाहौर हाईकोर्ट के अंदर बकायदा एक बैरिस्टर की हैसियत से इस मुकदमे में पैरवी करते हुए कहा था कि अपराधी मात्र 19 वर्ष का लड़का है लेकिन इसने जो अपराध किया है वो बहुत ही बड़ा जघन्य अपराध है, इसके अपराध को कम नहीं समझा जा सकता लेकिन इसकी आयु को देखते हुए इसकी फांसी को सजा को उम्र कैद में बदल देना चाहिए या फिर इसे काले पाने में जेल में भेज देना चाहिए। लेकिन अंग्रेजों ने 31 अक्टूबर 1929 को महाशय राज्यपाल जी के हत्यारे मोहम्मद इल्म दीन को लाहौर जेल में फांसी पर चढ़ा दिया था। बापू, तुम्हारा अहिंसा का पाठ एक तरफा था।